वो कहते हैं ना, जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। या अगर मैं यूं कहूं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। चलो इस बात को सुलझाते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि ज़िंदगी में जो भी हम पाना चाहते हैं उसको आखिर हम भगवान से प्रार्थना में कैसे मांगें ताकि हमारी मन्नत पूरी हो सके। आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था जिस पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण का ऐलान कर दिया था। इसको लेकर छोटे राज्य का राजा काफी चिंतित था, क्योंकि इनके पास ना तो इतनी बड़ी सेना थी और ना ही इतने संसाधन कि वह बड़ी सेना का मुकाबला कर सके। जब राजा ने अपने सेनापति से युद्ध रणनीति पर चर्चा करी तो सेनापति ने सुझाव दिया कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का मतलब हमारी जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान। इतनी बड़ी सेना से लड़ने की ताकत हम में नहीं है, हार निश्चित है। राजा यह सुनकर बहुत निराश और दुखी हो गया। उस राज्य में एक बड़े विद्वान पंडित थे जिनको राजा बहुत मानता था। वह अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंच गया और अपना दुख व्यक्त करते हुए बोला कि मुझे यह सोचकर बड़ी तकलीफ हो रही है कि बिना लड़े मैं हार कैसे मान लूँ, यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। लेकिन मेरा तो सेनापति ही हार मान चुका है, उसके हिम्मत के बिना मैं ये युद्ध कैसे लड़ूंगा। यह सुनते ही पंडित बोल पड़ा, अपने सेनापति को तुरंत ही कारावास में डाल दो, ऐसा सेनापति जिसने पहले ही हार मान ली हो वह यह युद्ध कभी नहीं जीता पाएगा। यह तो बात ठीक है पंडित जी, मैं आपके कहने पर सेनापति को जेल में डाल दूंगा, मगर फिर इस युद्ध में मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। पंडित ने कहा, मैं करूंगा। राजा के मन में ख्याल आया कि इस संत आदमी ने तो कभी अपने जीवन में हाथ में तलवार तक नहीं उठाई होगी, ये कैसे मेरी सेना का नेतृत्व करेंगे। मगर राजा के पास कोई विकल्प नहीं था और वह उस पंडित की हर सलाह को मानता था। आखिर राजा ने उस पंडित को सेनापति बना दिया। पंडित ने सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। जब सेना युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रही थी तभी रास्ते में पंडित को एक मंदिर दिखा। वहां उसने सबको रोक लिया और कहा, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछ कर आता हूँ कि इस युद्ध में हमारी विजय होगी या हार। इस बात पर सेना के कुछ योद्धाओं ने विरोध करते हुए कहा कि मंदिर में रखी एक पत्थर की मूर्ति कैसे बता पाएगी कि हम जीतेंगे या हारेंगे। पंडित ने कहा, मैंने सारी उम्र दैवी शक्तियों से बात करी है, मैं उनकी बात को समझकर बता पाऊंगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पंडित अकेला मंदिर में चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। सेना उनका इंतजार कर रही थी और सैनिक बड़े उत्सुक थे यह जानने के लिए कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला था। पंडित ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि ईश्वर ने संकेत दिया है कि अगर रात में इस मंदिर में प्रकाश निकला तो यह समझ जाना कि तुम लोग यह युद्ध जीतोगे। सेना वहीं सूरज जलने का इंतजार करने लगी और जैसे ही अंधेरा होने लगा उस मंदिर में से एक टिमटिमाती रोशनी निकली। यह देख मानो सैनिकों में एक अलग ही जोश भर आया और युद्ध से पहले ही जीत के नगाड़े बजने लगे। इसी जोश और उमंग के साथ नारे लगाते हुए सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। कहते हैं वह लड़ाई देखने लायक थी, कुछ मुट्ठी भर सैनिकों ने इतनी विशाल सेना को पराजित करके अपना राज्य बचा लिया। जब वे जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौट रहे थे तब रास्ते में वही मंदिर आया। तब सैनिकों ने पंडित का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि आप ईश्वर को जाकर हमारी जीत के लिए शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि इन्होंने तो हमारी जीत का ऐलान युद्ध से पहले ही कर दिया था। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उस रोशनी के लिए दिया मैं ही जला कर आया था, जो दिन के उजाले में तो नहीं दिखा लेकिन अंधेरा होने पर मंदिर में अपने आप रोशनी हो गई। तुम सबको ये विश्वास हो गया था कि तुम इस युद्ध को जीतने वाले हो, इसीलिए असंभव से दिखने वाली जीत भी इतनी आसान हो। दोस्तों, प्रार्थना की नींव है विश्वास भगवान पर और खुद पर। अगर ये है तो आप अपनी लड़ाई हिम्मत के साथ लड़ पाओगे और जो चाहोगे सो पाओगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानियाँ आपको मिलती रहें।